सो अभी गाइस हम आ गए एक दोस्त के खेत पे, खेत बोलो फार्म हाउस बोलो कुछ भी बोलो, देखो। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, मी दक्ष ओझा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:09 एंड अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तो अभी चलते हैं नीचे और कॉफी पीते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट तो करूंगा नहीं, बिकॉज मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं ना, तो मैं कुछ खा नहीं सकता। दोपहर को फराल करूंगा एंड सीधा शाम को ही खाना खाऊंगा, तो अभी चलते हैं और कॉफी पीते हैं। कॉफी रेडी, सो फाइनली कॉफी इज रेडी। मैं तो गाइस कॉफी लेके ऊपर ही आ गया और अभी देखो मेरे से क्या कांड हो गया। ये देखो कॉफी ढुल गई सारी, सारी तो नहीं ढुली, थोड़ी बहुत ढुल गई है। तो अभी पहले पोछा मारेंगे फिर कॉफी पियेंगे, पहले कॉफी इधर रख देते हैं और पोछा मारते हैं। सो इधर तो हो गया साफ और इधर भी ढुली है यार, कितनी जगह ढुला दी मैंने। सो अभी पोछा वोचा लगा लिया है, सब साफ कर दिया है और अभी अपनी कॉफी यहाँ पे पड़ी है और ठंडी भी हो गई है। कोई बात नहीं, आज ठंडी कॉफी कोल्ड कॉफी पियेंगे, तो फटाफट से कॉफी पीते हैं। सो अभी कॉफी तो पी ली, अभी 15-20 मिनट में फटाफट से रेडी हो जाते हैं, बिकॉज मेरे को दोस्तों के कब से कॉल आ रहे हैं कि 15-20 मिनट में रेडी हो जा, फिर कहीं पे जाना है। तो उन्होंने बताया नहीं किधर जाना है, तो फटाफट से रेडी होते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर देखते कहाँ पे जाना है। सो अभी ना मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा ये टी शर्ट पहनूं या शर्ट पहनूं, दोनों ही फुल स्लीव है, हाफ स्लीव तो है नहीं मेरे पास। हाफ स्लीव बस एक टी शर्ट है मेरे पास जो मैंने न्यू लाई थी, बट वो मैंने कल ही पहनी थी। आज क्या पहनूं मैं डिसाइड नहीं करा रहा, टी शर्ट ही पहन लेता हूँ, सोच तो रहा हूँ टी शर्ट ही पहन लेते, कोई बात नहीं शर्ट को रखते अंदर। फाइनली अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं बाहर, दोस्त मेरा वेट करे होंगे ना, तो चलो खोलो 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 जल्दी चलो बाहर। सो अभी गाइस 11 बज रहे हैं और अभी तक एक भी दोस्त नहीं आया है, मेरे को 10 बजे कॉल किया था बट अभी तक एक भी दोस्त नहीं आया है, तो उनका वेट कर रहे हैं। तो अभी गाइस सारे दोस्त लोग आ गए हैं और अभी हम यहाँ पे रुके, हमारी बाइक थोड़ी सी खराब हो गई है, तो फिर दोस्त सभी ठीक करवा रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई ऐसा कैसे ट्रक बीच में घुसा दिया, चलो 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 चलते हैं। सो ये गाइस वही होटल है जहाँ पे हम स्विमिंग पूल में आए थे नहाने के लिए, बट कैंसिल हो गया था, कल शायद ट्राई करेंगे फिर से आने का। तो अभी हम दोस्त लोग यहाँ पे हाईवे पे रुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है बहुत बढ़िया वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एक दोस्त को मिलने के लिए। तो अभी गाइस हम आ गए एक दोस्त के खेत पे, खेत बोलो फार्म हाउस बोलो कुछ भी बोलो, देखो कितना बड़ा है और बढ़िया हम छाव में खड़े हैं, अच्छे से व्लॉगिंग करवा रहे, सुकून मिल रहा है इधर। तो इधर बस थोड़ी देर बैठेंगे, पानी वानी पियेंगे और कुछ नाश्ता वास्ता लाएंगे, तो नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता मेरे व्रत है, तो दूसरे सब दोस्त कर लेंगे। पानी वानी पीते हैं पहले, तो बहुत प्यास लगी है। और हम सानवाड़ा आए हैं, सानवाड़ा में ये जो है हमारे दोस्त का पूरा फार्म हाउस है, खेत है, कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, पानी पीने के लिए उधर जाना पड़ेगा। मटका है ठंडा, मटके का पानी, कोल्ड ड्रिंक, सही है। इधर से मोटर का बटन ऑन कर दिया है, अभी पानी आएगा फिर पानी पियेंगे, ताजा ताजा पानी। ये क्या उग रहे रे? ये गेहूं है, सब गेहूं की खेती होती है ना इस टाइम पे, और उधर अंकल जी सब गेहूं को पानी पिला रहे हैं। बाकी आज खेत पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं खेत पे बहुत कम जाता हूँ, हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं, बट कभी कभी दोस्तों के खेत पे चला जाता हूँ। हमारे भी खेत है बट उधर मैं कभी जाता नहीं हूँ, आज तक कभी नहीं गया, इतना बड़ा हो गया बट आज तक हमारे खेत पे मैं कभी नहीं गया, दोस्तों के खेत पे जाता रहता हूँ। और एक बात देखो गाइस, यहाँ पे खेत है और इधर है शमशान घाट, पास पास में खेत के पास ही शमशान घाट, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मस्त यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो अभी गाइस हम आए थे हितू के खेत पे, ये जो मैंने खेत बताया आपको ये हितू का खेत था, और अभी हम जा रहे दीक्षित के खेत पे, वो भी आपको दिखाएंगे। उधर इतना रुकेंगे नहीं, इधर थोड़े मजे किए, अभी चलते हैं, इंजॉय किए, अभी चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे धूप भी है बट हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है, तो इतनी मतलब गर्मी की फीलिंग नहीं हो रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाकी बाहर तो बहुत गर्मी है, और 9 तारीख को यहाँ पे एक फंक्शन भी है, मतलब भजन संध्या है नाइट में, तो 9 तारीख को हम फिर से आएंगे इधर, बोला तो है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाई के खेत पे हम गए नहीं, अंदर नहीं गए, बाहर से ही देख लिया। तो भाई अभी जा रहे हैं अपने घर पे, इसको हम छोड़ने आए थे। बहुत अच्छा लगा आपका खेत, कर ले एक बार भाई, कर। बहुत अच्छा लगा आपका खेत, टाटा टाटा, अच्छा लगा खेत देख के। तो भाई अब चलते हैं सीधा घर पे। सो
सो मुझे मेरी गली में ड्रॉप करके सारे दोस्त अपने घर पे चले गए, अब मैं भी चलता हूँ अपने घर पे। सो अभी गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, और मैंने सोचा था कि घर पे जाते फराल रेडी होगा तो फराल कर लूंगा, बट आज फराल बना ही नहीं है, सीधा शाम को डिनर करेंगे। तो अभी गाइस देख सकते हो आप, ये मैंने खींचिए ले लिए दो, जो कि व्रत में खाने के लिए ये फराली आटे से बने हुए हैं। तो अभी फटाफट से ये एक दो खींचिया खाते हैं। तो अभी गाइस खींचिया खा के थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, बिकॉज कल से कुछ नहीं खाया था ना, तो पेट एकदम खाली खाली लग रहा था, बट अभी खींचिया खा लिया है तो पेट थोड़ा सा भर गया है, और अभी सीधा शाम को डिनर ही करेंगे। सो अभी गाइस निर्मल मेरे लिए और इसके खुद के लिए ये लेके आया है। ये क्या है? ग्लूकोज डी। ग्लूकोज डी गर्मी में पीने के लिए। हो गया कनेक्ट? तो यहाँ पे ये मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहा है। तो दक्ष ने बक्स लिखा है, डी की जगह बी लिख लिया गाइस। सो फाइनली कनेक्ट हो गया है और ये बहुत खुश हो गए है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, नाचने का मन हो रहा है इनको, इनके लिए ढोल मंगवाया जाए। ज़्यादा यूज मत करना, मेरे भी इतना नहीं है। सो अभी गाइस 4 बज रहे और ये देखो भाई साहब इधर क्या खा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको, मेरे व्रत है और ये चिप्स खा रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। नहीं है ये ना मेरे को जलाने के लिए ये चिप्स लेके आया है। ये क्या लेके आया है चिप्स के साथ? ये भी मैं नहीं खा सकता, तेरे को भी व्रत रखना चाहिए व्रत। लाइट वाइट सब बंद करके आना, मैं जा रहा हूँ नीचे। ओके अब चलते हैं बाहर, क्या पर है यार। सो गाइज मैं तो बाहर आ गया हूँ, अभी चिराग को कॉल करते हैं और उसको भी बुलाते हैं बाहर। सो गाइज यहाँ पे खड़े खड़े मैंने उसको 20 से 25 मिस कॉल कर लिए, बट अभी तक उसने मेरा एक कॉल अटेंड नहीं किया। ऐसा पता नहीं ऐसा कैसा सो रहा है यार कुंभकर्ण जैसे, ये फोन अटेंड नहीं कर रहे थे और अभी आए हैं। मैंने लगभग इनको 30 कॉल किए और एक कॉल अटेंड नहीं किया, उसके बाद मेरे को कॉल कर रहे पूछ रहे कहाँ पे है, कुंभकर्ण जैसे नींद लेता है। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं, चिराग का मन तो चाय पीने का है क्योंकि अभी उठा है ना नींद से, और मेरा मन है शरबत पीने जाने का, सोच में पड़ गए हम, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। सो अभी हम लोगों ने फाइनल कर लिया, हम लोग जा रहे हैं शरबत पीने के लिए, और आज हम दूध कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, नॉर्मल बस शरबत पियेंगे क्योंकि मेरे व्रत है ना इसलिए। दो ऑरेंज शरबत। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम शरबत पी रहे हैं, बाकी हर बार तो हम दूध कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं। सो अभी हम लोगों ने शरबत तो पी लिया, अभी चिराग जाएगा अपने खेत पे और मैं जाऊँगा अपने घर पे। फाइनली गली में तो आ गया हूँ मैं, अब चलते हैं घर पे। घर पे तो आ गया हूँ मैं और अभी अभी मैंने देखा मेरी जीप, देखो पूरी ऑरेंज ऑरेंज हो रखी है, मैंने वो शरबत पिया ना तो उससे ऑरेंज ऑरेंज हो गई। लाइट चली गई है गाइस और इन्वर्टर की बैटरी भी लो हो चुकी है, ये रूम पूरा हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, हॉरर मूवी में कैसा रूम दिखता है वैसा। सो मैं तो गाइस आ गया ऊपर सनसेट देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए नहीं आया हूँ, नीचे लाइट चली गई थी ना और पूरा अंधेरा भी हो गया था, तो मैं सही से व्लॉगिंग नहीं कर पाता इसलिए ऊपर आ गया हूँ, और अभी एकदम सही से व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। नीचे तो मेरे को डर भी लग रहा था, लाइट चली गई थी और मेरा रूम तो पूरा हॉरर मूवी की तरह लग रहा था, इसलिए मैं तो ऊपर आ गया, और अभी बस लाइट आएगी तो फिर नीचे चलेंगे। हमारी छत पे तो बारिश हो रखी है, बारिश नहीं हुई है गाइस, ये कोई पक्षी जो है इधर पानी पीने आया है, उन्होंने ये पूरा गीला कर दिया है, उधर भी गीला कर दिया देखो। और ऊपर चलते हैं भाई टॉप पे, वाह यहाँ से सीन देखो गाइस, इधर का व्यू, 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 एंड सामने है सन जो कि बहुत प्यारा लग रहा है देखो, और इस साइड में भी पूरी सिटी, बहुत अच्छा लग रहा है यार। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले नीचे झूला लगा हुआ था, तो मैं पहले नीचे झूला झूलता था, अभी तो वो दादाजी ने हटवा दिया है और ये उसके लिए बनाया था, और मैं मकर संक्रांति होती थी ना तब यहाँ से बैठ के धीरे 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 उधर जाता था और उधर से पतंग उड़ाता था। देखो पीपल पे पत्ते आने भी चालू हो गए, मतलब अभी गर्मी का मौसम है ना तो सारे पत्ते सूख गए थे, अभी नए पत्ते आने चालू हो गए। आज सन एकदम अलग ही लेवल का दिख रहा है देखो, ऐसे मतलब ये बादल बादल और फिर सन एकदम अलग ही लग रहा है, और वो आप वहाँ पे देख रहे हैं वो है माउंट आबू जहाँ पे हम गए थे, राजस्थान का हिल स्टेशन है ये भी। मुझे अभी गई एक रील भी अपलोड करनी है तो रील भी अपलोड कर देता हूँ, और सनसेट भी हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, अब चलते हैं नीचे गई बिकॉज अंधेरा भी होने वाला है ना, तो फटाफट से नीचे चलते हैं और लाइट भी आई कि नहीं देखते हैं, पहले इधर लाइट का चेकिंग होगा। ओके आ गई है लाइट, तो अभी चलते हैं नीचे। वैसे गाइज आज भी मेरे बाल नहीं कटे, मैंने तो सोचा था आज कटवा लूंगा बट आज भी नहीं कटे, कोई बात नहीं कल परसों कटवा लेंगे, कल का तो प्लान भी हो सकता है हमारा पूल पे जाने का,
तो परसों तो डेफिनेटली कटवा ही लेंगे। अगर कल का प्लान कैंसिल हो गया तो फिर कल कटवा लेंगे, बाकी तो परसों फाइनल ही है। और अभी मेरा फोन भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है तो थोड़ा सा चार्ज में डाल देते हैं। तो अभी ये मेरी रील देख रहा था, कैसी लगी रील? बताना मत इनको नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे देख लेना। सो अभी इस रात के 7:30 बज रहे और मैं तो गली में आके बैठ गया, घर पे डिनर बन रहा है तो डिनर बनने देते हैं और फिर चलेंगे घर पे। खोलिए। सो अभी मैं घर पे आ गया और डिनर बन चुका है तो डिनर करते हैं, व्रत खोल लेते हैं। आज डिनर में गाइस काफी सारी चीजें बनी है, दाल चावल हलवा रोटी और भिंडी की सब्जी। सो अभी गाइस मेरा डिनर हो चुका है और टाइम हो रहा है 8:45। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, अभी मैं एडिटिंग करूँगा और फिर अपलोड करूँगा, फिर सो जाऊँगा। तो इस व्लॉग को बस यही तक रखते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय बाय बाय।